नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर डेरा बस्सी से। नगर काउंसिलर के पूर्व प्रधान और मौजूदा काउंसिलर हरजिंदर सिंह के खिलाफ पाम सिटी कॉलोनी निवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हरजिंदर सिंह ने नगर काउंसिल रहे हुए पाम कॉलोनी का निर्माण कराया था। उस वक्त उन्होंने प्लॉट खरीदने वालों को वो सभी सुविधाएं देने का वादा किया था जो एक कॉलोनी में जरूरत होती है, जिसमें सड़क, सीवर, गलियां, लाइट और पीने का पानी है। मगर पाम कॉलोनी के निवासियों का कहना है, हरजिंदर सिंह ने वादे अनुसार कोई काम नहीं करवाया, जिसके चलते पाम कॉलोनी एक जंगल बनती जा रही है। ना सड़कों पर लाइटें हैं, ना सीवर काम कर रहे हैं, जबकि हरजिंदर सिंह अब इलाके के काउंसिलर भी हैं। इलाके के निवासियों को हरजिंदर सिंह का कहना है, उन्होंने निगम में बनते पैसे जमा करवा दिए हैं, अब काम निगम का है। जबकि निगम का आरोप है, हरजिंदर सिंह ने अभी निगम के 37 लाख रुपए देने हैं, कई बार नोटिस भेजा है मगर हरजिंदर सिंह ने पैसे नहीं जमा करवाए, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें से भी अब ये बच रहा है। हाँ। कोई भी चीज अभी इसको फोन करो, ये फोन पहले उठाए, वो लगता है नहीं है। हाँ। ये फोन लगता भी है उसका तो वो बोल दिया। किसको फोन करते हो? हरजीत सिंह रंगी। ठीक है ना, क्योंकि मेन किस नाम से है कॉलोनी? ये पाम सिटी के नाम से। ये ऐसा है कि यहाँ पर जो है ये सुनसान जगह होने की वजह से, बिना सिक्योरिटी की वजह से, बिना किसी चार दीवारी या बाउंड्री वारी की वजह से यहाँ पर शराबी कबाबी लोग शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, लड़के लफंडे, और वो यहाँ झाड़ू झूठ के ओट में खड़े होकर के शराबे पीते हैं, चरस गांजे पीते हैं। एक मतलब माहौल ऐसा हो जाता है कि हम इतनी छोटी छोटी लड़कियों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते। निगम और हरजिंदर सिंह के चक्कर में पिस रहे हैं पाम कॉलोनी के निवासी। मेजर अली के साथ कैमरामैन पंकज जस्सी की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।